तो आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे कैसे हम IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग के सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हमारे स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस में, और कैसे ये सिस्टम हमें एक बहुत ही मोस्ट प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटीज दे सकता है इफ़ वी फॉलो दिस सिस्टम प्रॉपरली। तो इस वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि हम IPL के सिस्टम को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं टू मेक अ प्रॉफिटेबल स्टॉक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, और कैसे हम स्टॉक्स फिल्टर कर सकते हैं इस मेथड से। तो इस मेथड को सीखने के लिए आपको कुछ ज़्यादा खास इन्फॉर्मेशंस नहीं चाहिए। आप अगर फंडामेंटल एनालिसिस के मेरे लेसन्स को देखे होंगे तो आपके लिए ये कैचअप करना बहुत ही ईजी होगा। तो ये एक बहुत ही बेसिक सिस्टम है, और इस सिस्टम को ठीक से यूटिलाइज करने के लिए हमें थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, और अगर आप ये पेशेंस रख पाओ देन दिस विल मेक यू अ डिसिप्लिन ट्रेडर, और आपके लॉन्ग टर्म में ये बहुत ही अच्छा एक फेवरेबल चीज़ हो सकता है। तो चलिए ये वीडियो को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने का कोशिश करते हैं। तो क्योंकि हमारा जो टॉपिक है इट इज़ अबाउट IPL, तो IPL का जो क्रिकेट सिस्टम है उसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो IPL जैसे कि इंडियन प्रीमियर लीग, इसमें 8 टीम्स रिप्रेजेंट करते हैं फ्रॉम 8 डिफरेंट सिटीज एंड दे ऑल प्ले टू विन द ट्रॉफी। तो हमारा जो ये IPL टू स्टॉक पोर्टफोलियो स्क्रीनिंग मॉडल है, यहाँ पे ये जो पैरामीटर है कि 8 टीम्स रिप्रेजेंटिंग 8 सिटीज वो बहुत काम आएगा। तो ये देखते हैं हम कि कैसे इसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं इन आर सिलेक्शन मॉडल। तो जैसे IPL में 8 डिफरेंट सिटीज़ होते हैं, जैसे कि दिल्ली, कैलकटा, मुंबई, चेन्नई, वैसे ही इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं। तो लेट्स अज्यूम कि तो हमारा जो स्टॉक के सेक्टर्स है, दीज आर द सिटीज़ इन द IPL। और जैसे हमारा सिटीज़ हैव अ टीम, जैसे कि अगर कलकत्ता होता है देन कलकत्ता हैज़ अ टीम कॉल्ड कोलकाता नाइट राइडर्स, देन इफ यू हैव चेन्नई एज अ सिटी, चेन्नई सुपर किंग्स इज द टीम। तो वैसे ही ये जो सेक्टर्स हम चूज करते हैं दैट बिकम्स द सिटीज, एंड द स्टॉक्स दैट वी चूज दैट बिकम्स द टीम ऑफ दिस IPL फिल्टरेशन सिस्टम मॉडल। तो अब हम थोड़ा फोकस हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में डालेंगे ताकि हमें पता चले कि इंडियन स्टॉक मार्केट कैसे ऑपरेट करता है। तो द इंडियन स्टॉक मार्केट हैज मोर देन 5,000 स्टॉक्स लिस्टेड इन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और हर एक स्टॉक फॉल्स इन अ सर्टन कैटेगरी, जैसे कि एक सेक्टर हम कह सकते हैं या एक इंडस्ट्री हम उसे कह सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, जो कंपनी स्टील प्रोड्यूस करता है वो स्टील सेक्टर में फॉल करता है, जो कार्स एंड ऑटोमोबाइल्स बनाते हैं वो ऑटोमोबाइल या ऑटो सेक्टर में फॉल करते हैं। तब ये जो कंपनीज हैं, इन कंपनीज का भी एक अलग डिविजन्स होता है जो रॉ मटेरियल बनाते हैं। तो एक बहुत ही फेमस रॉ मटेरियल फॉर ऑटो सेक्टर हम कंसिडर करें, उसे हम कहेंगे मिंडा इंडस्ट्रीज। तो मिंडा इंडस्ट्रीज मारुति सुजुकी के लिए बहुत सारे ऑटोमोबाइल के कंपोनेंट्स बनाते हैं, जिससे मारुति सुजुकी यूटिलाइज करते हैं पूरे गाड़ी बनाने के लिए। तो मिंडा इंडस्ट्रीज एक ऑटो एंसिलरी सेक्टर में फॉल करते हैं क्योंकि वो रॉ मटेरियल बनाते हैं। तो उस हिसाब से हमारे जो इंडियन स्टॉक मार्केट में है वहाँ पे वी हैव मोर देन 30+ सब कैटेगरीज ऑफ द सेक्टर्स। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, जिस पैरामीटर के बेसिस से हम ये मॉडल को एनालाइज करना सीखेंगे। तो चलिए अब हम बात करेंगे अबाउट द IPL फिल्टर सिस्टम। तो ये जो IPL फिल्टर सिस्टम है वो क्या होता है? तो बेसिकली इस IPL फिल्टर सिस्टम को हम यूज़ करते हैं इन एन एक्सेल शीट विच अलाउज अस टू आइडेंटिफाई या फिल्टर द मोस्ट स्टेबल स्टॉक फ्रॉम द स्टॉक्स डेटाबेस। तो इंडिया में 5,000 से ज़्यादा स्टॉक्स लिस्टेड हैं इन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और वहाँ से ये सिस्टम हमें फिल्टर करके देते हैं द मोस्ट सूटेबल स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और इस सिस्टम को हम IPL सिस्टम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस सिस्टम में हम 8 सेक्टर्स को एक साथ एनालाइज करेंगे, और 8 सेक्टर्स जैसे कि IPL में 8 सिटीज़ है, इसलिए यहाँ पे 8 सेक्टर्स को हम कंसिडर कर रहे हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे 8 स्टॉक्स फ्रॉम ईच सेक्टर को कंसिडर किए हैं। तो हर एक सेक्टर से हम एक स्टॉक लेंगे, और अगर ऐसा हम करते हैं देन वी विल हैव 8 डिफरेंट स्टॉक्स जो हमें 8 टीम्स IPL के सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हुए दिखेगा। तो उसलिए हमने यहाँ पे इस सिस्टम को IPL फिल्टर सिस्टम कहा है।
तो आईपीएल एक्सेल शीट कवर करने से पहले हमें ये जानना होगा कि हमने जो सेक्टर्स है वो कहाँ से लिए हैं और वो सेक्टर्स से हमने स्टॉक कैसे पिक किया। तो हमारे जो इंडियन स्टॉक मार्केट में है वहाँ पे जो प्राइमरी सेक्टर्स है एज ऑफ टुडे इन moneycontrol.com है अराउंड 21 प्राइमरी सेक्टर्स। अब हर एक सेक्टर के अंदर आपको बहुत सारे सब सेक्टर्स मिलने वाले हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप ऑटोमोटिव सेक्टर के बारे में बात करते हो तो उस सेक्टर के अंदर आपको ऑटो एंसिलरी मिलेगा, ऑटो टू थ्री व्हीलर्स मिलेगा, ऑटो हैवी ड्यूटी मिलेगा, फिर ऑटो कार्स एंड यू नो जीप मैन्युफैक्चरर्स मिलेगा। तो वैसे ही ये जो 21 मेन सेक्टर्स हैं उन सेक्टर्स के अंडर आपको बहुत सारे सब सेक्टर्स मिलेंगे। तो आपका काम ये है कि आप एज पर योर चॉइस विल चूज द स्टॉक विच यू डिज़ायर कि आप स्क्रीनिंग करना चाहो फॉर द लॉन्ग टर्म प्रस्पेक्टिव। तो चलिए अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं ऑन हाउ वी यूज़ द आईपीएल्स फिल्टर सिस्टम। तो हमारे लेफ्ट साइड में आपको बहुत सारे सेक्टर्स दिखेंगे जैसे कि ऑटोमोटिव, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, केमिकल्स एंड कंग्लोमरेट्स। तो हम ईच सेक्टर से एक एक स्टॉक पिक करेंगे और ये जो लिस्ट आपको दिख रहा है इन द सेंटर पोर्शन ये मेरे हिसाब से हमने यहाँ पे चूज़ किया है। तो ऑटोमोटिव से हमने टाटा मोटर्स को चूज़ किया, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस से बंधन बैंक को चूज़ किया है, सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शन से ACC को चूज़ किया है, केमिकल्स से हमने बर्जो पेंट्स को चूज़ किया एंड कंग्लोमरेट से हमने सेंचुरी टेक्सटाइल्स को चूज़ किया है। अब ये जो सारे स्टॉक्स है ये सारे स्टॉक्स को हम एक साथ कंबाइंड एनालिसिस करेंगे इन द एक्सेल शीट विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस जो हमने ऑलरेडी सिखाया है आपको इन द फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो ये वीडियो ज़रूर देखिए जो आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मिल जाएंगे। तो फंडामेंटल एनालिसिस स्क्रीनिंग प्रोसेस से हम हमारे टॉप हाई पोटेंशियल स्टॉक को चूज करेंगे ये सारे लिस्ट से और हमें यहाँ से ये पता चलेगा कि कौन सा जो सेक्टर है वो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है और किस स्टॉक का हाईएस्ट पोटेंशियल है ये प्रोसेस से एक अच्छा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देने का। तो चलिए अब हम बात करेंगे अबाउट द आईपीएल फिल्टर चेकलिस्ट के बारे में जिससे हमें ये पता चलेगा कि कौन सा स्टॉक कैसा स्टेबिलिटी दिखाता है, कौन सा अनस्टेबल है या कौन सा स्टॉक में हमें इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए बेस्ड ऑन द सर्टेन पैरामीटर्स ऑफ चेकलिस्ट। तो सबसे पहले हमें बैलेंस शीट का सर्वे करना पड़ेगा इन द एक्सेल शीट और ये सारी जो चेकलिस्ट है वो एक्सेल शीट में हमें दिया रहेगा इन अ वेरी यू नो डिसिप्लिन मैनर जिससे आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाओ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट का जो शेयर कैपिटल है इट शुड ईदर बी स्टेबल और शुड बी गोइंग डाउन। अगर ऐसा होता है देन वी कॉल इट अ वेरी गुड बैलेंस शीट। अगर वो थोड़ा सा इंक्रीज करता है ओवर द स्पैन ऑफ ईयर्स तब उसे हम एक एवरेज रेटिंग देंगे। कंपनी का अगर रिजर्व्स बढ़ता जाए देन वी कॉल इट अ वेरी गुड कंपनी और अगर उस कंपनी का जो बोरोइंग्स है यानी लोन्स टेकन फ्रॉम दी अदर सोर्सेज अगर वो घटते जाए देन वी कॉल इट अ वेरी गुड कंपनी क्योंकि तब ये कंपनी अपने जो बोरोइंग्स है उसे घटा के अपने जो इंटरेस्ट का बर्डन है वो कम कर रहे हैं। उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे टू द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जहाँ पे हमें ये देखना है कि इस कंपनी का जो सेल्स का ग्रोथ है वो अच्छी तरीके से हो रहा है कि नहीं। अगर वो पॉजिटिव है देन वी गिव इट अ गुड साइन। उस कंपनी का जो इंटरेस्ट का बर्डन है वो कम होना चाहिए। उस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट का स्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव होना चाहिए हर एक क्वार्टर या हर एक साल। उसके बाद हम इस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे। अब लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव के लिए क्वार्टरली रिजल्ट्स इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट पर क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर इम्प्रूव करता जाए देन वी कैन यू नो रेस्ट अश्योर्ड इन्वेस्ट इन द शेयर क्योंकि तब अगर बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस ये क्वार्टरली रिजल्ट्स को सपोर्ट करते हैं देन वी कैन कॉल इट अ गुड इन्वेस्टमेंट फॉर द फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव। तो यहाँ पे भी हमें सेल्स का फिगर देखना पड़ेगा देन वी हैव टू लुक एट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये दोनों ही बढ़ना चाहिए कंसिस्टेंटली क्वार्टर ओवर क्वार्टर। उसके बाद इंटरेस्ट का बर्डन घटना चाहिए और जो नेट प्रॉफिट है उसे भी इंक्रीज करना चाहिए बिकॉज दीज फैक्टर्स विल टेल अस वेदर द कंपनी इज इन अ हेल्दी पोजिशन और नॉट। उसके बाद हम ये सारे कंपनीज का रेशियो का एनालिसिस करेंगे। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एक बहुत ही यू नो इफेक्टिव रेशियो है जिससे हमें पता चलता है कि कंपनी किस हिसाब से ग्रो कर रहा है ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये जो रेशियो है इट शुड इंक्रीज
कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द ईयर्स, और अगर ऐसा दिखता है हमें देन वी कैन कॉल इट अ हेल्दी कंपनी. उसके बाद नेट प्रॉफिट मार्जिन जो कंपनी का होता है इट शुड ऑल्सो बी इंक्रीजिंग, और ये कंपनी का जो बेसिक EPS है दैट शुड ऑल्सो बी इम्प्रूविंग. तो ये फैक्टर्स को हम एक साथ एक्सेल शीट में कंबाइन करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो कि Part 2 होने वाला है, और वहाँ पे हम देखेंगे कि इस सिस्टम को हम कैसे अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं टू चूज अ प्रॉफिटेबल स्टॉक फ्रॉम द 8 सेक्टर्स एंड 8 स्टॉक्स फ्रॉम द लिस्ट. ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको इस चैनल के लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिल जाए. और अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में और सीखना है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो सारे ट्यूटोरियल्स के लिंक मिल जाएंगे.